अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई हुई है, जहां वो 3 टेस्ट मैचों के अलावा महदूद ओवर्स पर मुश्तमिल बेंसन एंड हेजेस ट्रॉफी के मुकाबलों में भी हिस्सा लेगी। इन मुकाबलों में आलमी चैम्पियन वेस्ट इंडीज़ की टीम भी हिस्सा ले रही है। इस तरह से पाकिस्तान का ये तकरीबन 3.5 माह का तवील दौरा खासा मुश्किल और आजमाइश से पुर नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ शायकीन के लिए भी बेहतरीन क्रिकेट देखने का एक नादिर मौका उन्हें मैसर होगा। पाकिस्तान की टीम इस दौरे में किस हद तक कामयाब रहेगी, इस सिलसिले में हमने किसी माहिर या नक्काद से गुफ्तगू नहीं की, बल्कि टीम के चंद सीनियर खिलाड़ियों ने इजहार ख्याल किया। मिडल ऑर्डर में जितने बैट्समैन हैं वो इससे पहले भी 2-3 दफ़ा टूर कर चुके हैं, उनको मालूम है वहाँ की विकटें कैसी हैं। और फिर ये खेल जो है एक बॉल का ही खेल होता है, इसमें किसी से कुछ नहीं कह सकते कि एक ही बॉल पे वो 100 करता है और एक ही बॉल पे आउट भी हो सकता है। तो हमारी जो मिडल ऑर्डर है, मुझे तो उम्मीदें हैं कि इससे पहले भी रन्स कर चुके हैं और उनसे उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह रन्स करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बज़ाहिर हमारी टीम खासी मतवाजन नज़र आती है। इसमें 3 ओपनर्स, 5 मिडल ऑर्डर बैट्समैन, 4 फास्ट और मीडियम फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स और 2 विकेट कीपर्स शामिल हैं। लेकिन चूंकि इस मरतबा टीम में नए और नौजवान खिलाड़ियों का तनासुब खासा ज़्यादा है, इसलिए पुराने खिलाड़ियों के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी मैच के अच्छे या बुरे नताइज पर असरअंदाज होगी। मेरे ख्याल में जो हमारे टूर का सक्सेस होगा वो इस एक चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो कि हम टीम में फाइटिंग स्पिरिट कितनी है। ये तो मेरे ख्याल में सबको अब पता चल गया है कि जो पाकिस्तान टीम है इस वक्त वो बाकी टीमों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। और मेरे ख्याल में जो जितनी भी टीमों के साथ मैंने टूर किया उनके मुकाबले में ये सबसे कमज़ोर पाकिस्तान टीम जा रही है बाहर। लेकिन अगर टीम ने फाइट अच्छा किया और अच्छी टीम स्पिरिट से खेले तो मेरे ख्याल में हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या आपने कहा कमज़ोर टीम, तो बैटिंग में कमज़ोर हैं, बॉलिंग में कमज़ोर हैं, किस शोबे में? बैटिंग में भी कमज़ोर हैं कि जो जितने हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो तो सारे अपनी प्राइम से गुजर चुके हैं, और जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनमें किसी को ख़ास इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो बैलेंस ठीक नहीं है। ना सीनियर प्लेयर्स अपनी प्राइम में और ना जूनियर प्लेयर्स एक्सपीरियंसड हैं, तो उस लिहाज से टीम का काफ़ी कमज़ोर बैटिंग लाइनअप है हमारा। और दूसरा, फास्ट बॉलिंग में सरफराज भी अब अपनी उस पीक पे नहीं रहे जब वो जो थे जब हम आखिरी बारी ऑस्ट्रेलिया गए थे। और सिकंदर वैसे काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं, तो शायद बॉलिंग का इतना हमें फ़र्क ना पड़े जितना बैटिंग का। अच्छा, आपने गुज़श्ता दौरे में सिडनी में जो टेस्ट हुआ था उसमें माशाल्लाह 12 विकेटें लेके पाकिस्तान को मैच जिताया था, हम आपसे तवक्कोआत रखें इस मरतबा भी कुछ इसी किस्म की? ये मेरे ख्याल में सारा किस्मत का सवाल है। मेरे ख्याल में बॉलिंग अब मैं ज़्यादा अच्छा बोल रहा हूँ बजाय जब मैं पिछली बारी जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन डिपेंड करता है कैसी किस्मत साथ देती है और फील्डिंग कैसी। उस ज़माने में हमारी फील्डिंग साइड बहुत अच्छी थी, तो अगर हमारी फील्डिंग कैचेस पकड़े और उनकी वैसे बैटिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो देखें, कोई पता नहीं। अच्छा, वहाँ इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की तरफ से 6 बॉलर, खुद ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त 5-6 अच्छे फास्ट बॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम में अगर देखा जाए सही फास्ट बॉलर तो आप ही का शुमार होता है। सरफराज मीडियम पेसर अच्छे स्विंग करते हैं, फिर आपने सिकंदर वक्त का नाम लिया, ताहिर नक्काश नए जा रहे हैं, तो आप क्या ख्याल है कि वेस्ट इंडीज़ के 6, ऑस्ट्रेलिया के 5-6 तजर्बाकार, तो आपका उन लोगों से कैसा मुकाबला रहेगा, चूँकि आपको वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी मैच खेलने हैं और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़? ये तो आप हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट मैच तो कोई नहीं है। वनडे क्रिकेट में इतना ये वैसे ज़रूर है कि अगर जिस टीम के पास अच्छा बॉलिंग अटैक हुआ एडवांटेज है, लेकिन वनडे क्रिकेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट मैच में अगर किसी टीम के पास 4 फास्ट या 5 फास्ट बॉलर हों तो वो उससे बड़ी उन्हें एडवांटेज है, लेकिन वनडे क्रिकेट क्योंकि एक स्लिप दो स्लिप खड़े होती हैं, अटैक नहीं कर रहे होते बॉलर ज़्यादा, तो शायद हम गुजारा कर लें। अच्छा, विकेटों पर कुछ फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान में, ज़रा मुख्तलिफ नौत की विकेट्स हैं, आप अचानक फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वहाँ ज़रा तेज़ विकटें होती हैं? हाँ, विकेट्स पर तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और इस तरह हमारे बैट्समैन को काफ़ी डिसएडवांटेज होगी क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान के विकेट्स पर खेलने की, जो इतनी ना बाउंस करती हैं और तेज़ बॉलर को इतनी हेल्प नहीं करती। तो ये वैसे 3 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वहाँ, तो हो सकता है शायद
लोगों को आइडिया हो जाए टेस्ट मैच से पहले। इमरान, आखिरी सवाल ये है कि वैसे आप किस किस्म के मुकाबले की तवक्को रख रहे हैं? सख्त मुकाबला होगा, आपकी जीत के इम्कान हैं या क्या ख्याल है आपका? जीत के इम्कान तो बहुत कम है, सख्त मुकाबला बहुत होगा, तो बस दुआ करें आप, हो सकता है अच्छा कर लें। इससे पहले हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान माजी में खेले गए टेस्ट मैचों के मुतालिक बताते चलें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 17 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें 4 पाकिस्तान ने जीते, 7 हारे और 6 मैच बराबर रहे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट क्रिकेट का आगाज सन 56-57 में हुआ और सबसे पहला टेस्ट कराची में सन 56-57 में खेला गया। खसूसियत बैटिंग विकेट पर फजल महमूद की तबाहकुन बॉलिंग थी, उन्होंने दोनों इनिंग्स में 13 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद सन 59-60 में पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैच खेले गए, जिनमें पाकिस्तान 2 मैच हार गया और 1 बराबर रहा। पहले और तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की क़यादत फजल महमूद ने की थी, दूसरे टेस्ट में कप्तानी के फ़राइज़ इम्तियाज़ अहमद ने अंजाम दिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान रिची बेनो थे। सन 64-65 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच खेला जो बराबर रहा। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच खेला और ये मैच भी हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुआ। दोनों मैचों में पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे हनीफ मोहम्मद, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की क़यादत बॉबी सिम्पसन ने की। सन 72-73 में पाकिस्तान की टीम ने इंतखाब आलम की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली। गो के इस दौरे पर जाने वाली टीम खासी मजबूत थी, लेकिन पाकिस्तान ये तीनों टेस्ट मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेनिस लिली, मैसी, मेलेट और थॉमसन जैसे बॉलर्स ने पाकिस्तान के बैट्समैनों को जमकर खेलने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के इयन चैपल बेहतरीन बैटिंग के साथ साथ आला क़यादत का भी मुजाहरा किया। सन 76-77 में पाकिस्तान की टीम एक दफ़ा फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, जहाँ इसने 3 टेस्ट मैच खेले। इस दफ़ा टीम की क़यादत मुश्ताक मोहम्मद के सुपुर्द की गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे ग्रेग चैपल। इस बार पाकिस्तान की टीम हर एतबार से अच्छी और मजबूत थी, खुसूसन बेहतरीन खेल पेश किया, लेकिन इमरान खान ने सिडनी टेस्ट में बेहतरीन फास्ट बॉलिंग का मजारा किया। उन्होंने जिस तेज़ रफ्तारी से इस मैच में बॉलिंग की, वो यकीनन दुनिया का कोई बेहतरीन फास्ट बॉलर ही कर सकता था। इस अच्छे खेल का नतीजा ये निकला कि ये सीरीज़ 1-1 मैच से बराबर रही। नाज़रीन, सन 79-80 में भी पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और एक दफ़ा फिर मुश्ताक मोहम्मद ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मरतबा भी टीम तकरीबन वही थी जो सन 76-77 में ऑस्ट्रेलिया गई थी। इस बार भी सीरीज़ पहले ही की तरह 1-1 मैच से बराबर रही। इस सीरीज़ में आसिफ इकबाल और जावेद मियादाद ने बैटिंग में और सरफराज नवाज ने बॉलिंग में बेहतरीन खेल पेश किया। सरफराज नवाज ने मेलबोर्न टेस्ट में न सिर्फ 1 इनिंग्स में 9 विकटें हासिल करके पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था, बल्कि पाकिस्तान को शिकस्त से बचाकर फतेह से भी हमकिनार किया था। Bowled him, another man down. Too far across the offside. The ball moves in, goes between bat and pad, and I rather fancy clipped the back leg as it went on to Border's leg stump. And Hogg struck on the pad. He's out. LBW. The decision took a long time coming from umpire Bailash. And he's caught behind. A great catch by Wazimbari. Hurst is out, second ball for a duck. Sarfraz has finished with the magnificent figures of 9 for 86. Australia all out for 310. And Pakistan have won this first test match by 71 runs. सरफराज, गुज़श्ता दौरा ऑस्ट्रेलिया के मौके पर मेलबोर्न में आपने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, मेरा मतलब है कि जो आपने 9 विकेट हासिल किए थे, बहरहाल वो अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। इस मरतबा क्या इरादा है, कारकर्दगी को दोहराएंगे आप? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो यही है कि वही परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट किया जाए, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि इसमें आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक मैच में एक ही बॉलर 10 या 12 विकेटें लेता है और दूसरे मैच में उसको कोई विकेट भी नहीं मिलती। लेकिन इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों पे, जहाँ के विकेट में ज़्यादा बाउंस है और कुछ ग्रीन भी होती हैं, मेरी बॉलिंग और स्विंग ज़्यादा सूटेबल है, जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा ही है वहाँ मैचेस में, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी विकेटें मिलने का काफ़ी चांसेस हैं वहाँ पे।
जिस टीम से आप गुज़श्ता मर्तबा खेले थे उसमें काफ़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम में तब्दीलियां हो गई हैं और पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी तब्दील है, इस मर्तबा नौजवान खिलाड़ी हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों के खिलाफ खेल भी चुके हैं अभी काउंटी में, आपको क्या ख्याल है कि कौन सा ऐसा वहाँ ज़्यादा बैट्समैन है जो आपको तंग कर सकता है? ये जो ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग का तलक है, अभी मैं रिसेंटली में इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में खेला हूँ इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के, तो बॉर्डर और किम ह्यूज जो हैं वो क्वाइट यूज़फुल हैं, बॉर्डर स्पेशली बड़ा अच्छा खेला वहाँ इंग्लैंड के खिलाफ और इज़ वन कैन से बैकबोन ऑफ द टीम के वो ऐसे आड़े वक्तों में काफ़ी अच्छा लास्ट टाइम जब हम खेले काफ़ी रन किए। लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कोई ख़ास बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं रही इंग्लैंड की सीरीज़ में, स्पेशली जब ग्रेग चैपल भी नहीं था वहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम खेलेंगे तो ही कुड भी वो भी टीम में वापस आ जाएगा, तो जिससे इनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी और उसके अलावा बॉलिंग जो है इनकी वो काफ़ी मतलब 4-5 फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें मतलब एक के बाद दूसरे उतनी स्पीड में और काफ़ी इंग्लैंड में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो इस वक्त ओल्डरमैन हैं, लॉसन हैं, हॉग है, लिली है और हमारे यहाँ आप और इमरान है, तो ये कैसा मुकाबला रहेगा? ये देखें आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जो ऑस्ट्रेलियंस के बॉलर हैं उनको अपनी विकेट्स पे काफ़ी प्रैक्टिस है और हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ पे हैं स्लो विकेटों पे खेल के उनको वहाँ पे लाइन और लेंथ कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कि कितनी पोटेंशियल के बॉलर हैं हमारे, मतलब यहाँ पे तो स्लो विकटें आपने देखी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर हैं उनमें उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ है और हॉग और ये लिली और थॉमसन भी है वहाँ और लॉसन ही इज़ वेरी शार्प। उसके अलावा ओल्डरमैन जो है वो स्विंग काफ़ी करता है और सीम करता है, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन इनकी बॉलिंग इस वक्त काफ़ी अच्छी लाइनअप हुई हुई है। सन 1980 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रेग चैपल की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर आई और उसने 3 टेस्ट मैच खेले। इस मरतबा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की क़यादत जमा साल जावेद मियाँ दाद के सुपुर्द की गई। क्रिकेट बोर्ड का ये इंतखाब दुरुस्त रहा क्योंकि जावेद मियाँ दाद ने जिनमें एक अच्छे कायद की सलाहियतें मौजूद हैं ख़ुद को इसका अहल साबित किया और पाकिस्तान ने यह सीरीज़ 1 टेस्ट मैच से जीत ली। अब एक दफ़ा फिर हमारी कौमी क्रिकेट टीम नौजवान कप्तान जावेद मियाँ दाद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई है जहां ये अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच परसों यानी जुमा 13 नवंबर से पर्थ में खेलेगी। इस दौरे का क्या नतीजा निकलेगा इस सिलसिले में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम अपने खिलाड़ियों का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से करें तो कम अज़ कम हमें अपनी टीम के मुतालिक कमी बेची का कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है। सबसे पहले हम ओपनिंग खिलाड़ियों को लेते हैं। पाकिस्तान के पास 3 ओपनिंग बैट्समैन हैं, मुदस्सर नज़र, रिजवानुज़्ज़मा और मंसूर अख्तर। उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के पास मार्टिन और ग्रैम वुड हैं। मिडल ऑर्डर बैट्समैन को अगर लिया जाए तो पाकिस्तान के पास ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँ दाद, माजिद खान और वसीम हसन राजा हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेग चैपल, एलन बॉर्डर, किम ह्यूज और ब्रूस लेयर्ड वगैरह हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इमरान खान, सरफराज नवाज, सिकंदर बख्श और ताहिर नक्काश हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास डेनिस लिली, थॉमसन, एल्डरमैन और लॉसन हैं। स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान के पास इकबाल कासम और एजाज फकी हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास रे ब्राइट और यार्डले हैं। तो इस लिहाज से अगर ये देखा जाए कि दोनों टीमों का जैसे कि हमने मुकाबला किया तो जो नतीजा सामने आता है वो कुछ इस तरह है कि ओपनिंग बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया हमसे ज़्यादा बेहतर है, मिडल ऑर्डर बैटिंग और स्पिन बॉलिंग में दोनों टीमें तकरीबन बराबर हैं। अलबत्ता फास्ट बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान खासा कमज़ोर नज़र आता है, चूँकि पाकिस्तान के पास दरअसल इमरान खान के अलावा ऐसा और कोई तेज़ बॉलर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के विकेटों पर ख़तरनाक बॉलिंग का मजहरा कर सके, जबकि ऐसा महसूस होता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थॉमसन, लिली, एल्डरमैन और लॉसन जो हैं वो पाकिस्तानी बैट्समैनों को ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इससे ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान का ज़्यादा इन्हिसार जो है वो स्पिन बॉलिंग पर होगा और ज़्यादातर बोझ जो है वो इकबाल कासम के कंधों पर होगा, और मुझे उम्मीद है कि इकबाल कासम इन टेस्ट सीरीज़ में अपनी तमाम सलाहियतों और तजर्बे को बरूए कार लाते हुए कामयाबी हासिल करेंगे। And he's bowled, is he? Yes, he is.
को और यू कैन कॉल अपॉन द न्यू बॉल एज नबील फॉर एलबीडब्ल्यू एंड ही स्टार्ट कासम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आप जा रहे हैं और बहरहाल इस वक्त आपका शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बड़े अच्छे नामवर स्पिनर्स में होता है तो ऑस्ट्रेलिया की विकटें आमतौर पर फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा मशहूर हैं आपका क्या ख्याल है कि आपको क्या तवक्कोआत हैं आपकी बॉलिंग से मुनीर साहब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो विकटें होती हैं वो ज़्यादातर तेज़ बॉलर को मदद करती हैं लेकिन पिछले अगर आप सीरीज़ का मुशाहदा करें तो ज़्यादातर स्पिनर्स को भी कामयाबी हुई है वहाँ पर उसमें इंग्लिस्तान के जेफ मिलर थे फिल एडमंड गए उन्होंने भी आउट किए अंडरवुड जाते हैं वो भी आउट करते हैं इंडिया से बेदी जाते थे जब उन्होंने भी आउट किए और दोषी गए हाल में उन्होंने भी विकेट्स लिए हैं और 76 के टूर पर जब हम गए थे तो वहाँ भी आउट किए थे हमारे स्पिनर्स ने भी और फास्ट बॉलर्स ने वहाँ के विकेट की एक ख़ासियत यह है कि उनकी विकटें तेज़ होती हैं और उनमें बाउंस होता है जिसकी वजह से गेंद जो है वो बैट्समैन के लिए खेलने में आसानी होती है और ऊपर आता है स्पिनर्स के लिए जहाँ भी गेंद बाउंस मिलेगा तो अगर उसमें टर्न नहीं भी है तो वो ये है कि बैट्समैन को परेशान कर सकता है क्योंकि जब जो शॉट खेलेंगे तो हो सकता है वो गेंद स्लिप में चला जाए या कॉट बिहाइंड हो जाए तो जहाँ तक मेरी अपनी बॉलिंग का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गेंद करें और साथ साथ हमारे वनडे गेम्स भी हैं वहाँ पर और वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं तो उसमें स्पिनर्स का रोल आजकल काफ़ी अहम होता है कि कम से कम रन्स देकर बैट्समैन को कंटेन किया जाए तो मैं समझता हूँ हमारे साथ एजाज फकी हैं वो भी बहुत अच्छी हालिया सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें की हैं और वसीम राजा और जावेद मियादाद मैं समझता हूँ ये दो बॉलर उस टूर पे हमको बहुत ज़्यादा आजमाने पड़ेंगे क्योंकि वो ऐसे बॉलर हैं जो कि किसी वक्त भी टीम को जिता सकते हैं मैच तो मेरी अपनी ज़ाती राय यही है कि इंशाल्लाह हमारी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर काफ़ी कामयाब होगा तो नाज़रीन जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेस्ट मैचों में या क्रिकेट में नतायज अख़ज़ करना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत दुश्वार होता है तो इस दौरे के सिलसिले में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बैट्समैन यकीनन अच्छे खेल का मजहरा करेंगे और शायकीन को मायूस ना होने देंगे